हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ कविता। और आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अच्छा DIY शेयर करूंगी और आई होप आप सबको ये अच्छा लगेगा। और ये बनाने में भी बहुत ही इजी है और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है और ये ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, विद इन 5 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। और तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो चीजों की जरूरत पड़ती है तो आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने इस तरह का एक ये ग्लास का जार लिया है। आप घर में जो हम लोगों की जैम वगैरह की बॉटल आती है, ये मैंने उसी की ये बॉटल है, आप भी उसी से ले सकते हैं। आप कोई दूसरा अगर लेना चाहें तो आप वैसे ले सकते हैं। फिलहाल मैंने ये जैम की बॉटल लिया है। और फिर जो दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी वो ये आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर ये फेविकोल लिया है और इसमें मैंने पानी मिक्स किया है। ये 2:1 का ये रेशियो है और इसमें मैंने 2 पोर्शन फेविकोल है, 1 पोर्शन इसमें हमने इसमें वाटर मिक्स किया है। और फिर जो दूसरी और चीज की जरूरत पड़ेगी वो ये जूट रोप है और एक आपको सीजर की जरूरत पड़ेगी और ये कुछ इस तरह के आपको लीव्स चाहिए। और तो ये तो मैंने कागज से कट कर दिए हैं, वैसे आप चाहें तो नेचुरल जो ये हमारी ड्राई लीव्स होती हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कागज की कट करी है। आप ये देख रहे हैं ये इस तरह की छोटी बड़ी ये रैंडम इसकी जो भी शेप एंड साइज की मैंने ये कट करी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग को जो सबसे पहले जो चीज करनी है वो आपको इस तरह से इसके ऊपर ये इस तरह से आपको आप देख रहे हैं ना, इस तरह से जो हमने ये 2:1 का जो रेशियो तैयार करा था वो इस तरह से लगाकर वो तैयार करा था, सॉरी जो रेशियो जो मैंने तैयार करा था उसको इस तरह से बॉटल पे लगाना है। और फिर इसके बाद इसमें मुझे कोई भी लीव्स इस तरह से लेकर के ऐसे आपको रेंडमली आप जैसा भी लगाना चाहें उस तरह से आप इस तरह से ये लगा सकते हैं। और इसके ऊपर आप इस तरह से दोबारा फिर इसके ऊपर ये जो ये बैटर सॉरी ये जो घोल है इसका ये आप इसको इस तरह से प्रेस कर लीजिए जिससे कि ये इसमें चिपकती जाएगी हमारी जो लीव्स हैं। चाहे तो आप जो असली होती हैं उनका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये मैंने जैसा कि आपको बताया मैंने ये पेपर से बनाया हुआ है। इसी तरीके से आप ये कहीं भी आप रेंडमली कहीं पे भी आप इसको प्रेस कर लीजिए और इसके ऊपर से इस तरह से भी करते जाइए जिससे कि ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से ये चपकती जाए। आप तो ये मेरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये पतला हो गया, आप थोड़ा थिक अगर करना चाहें तो आप थिक भी ले सकते हैं। और फिर मैंने जब मैं पूरे इस तरह से चिपका लूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस। तो आप ये देख रहे हैं मैंने इस तरह से ये जो लीफ मैंने कट करी थी आप देख रहे हैं मैंने इसको चारों तरफ से ऐसे रेंडमली ऐसे इसको चिपका ली है। तो इस तरह से आप चारों तरफ से इसको चिपका लीजिएगा और फिर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको जितनी देर में मतलब 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको सूखने में उतनी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा तो फिर आगे का स्टेप क्या है वो फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये मैंने चिपका लिया और ये मेरा ये सूख भी गया है इस तरह से सूखने के बाद लग रहा है। आप ये देख रहे हैं इस तरह से आप चाहें तो ज्यादा कम जैसे भी अपने अकॉर्डिंग आप चिपका सकते हैं, मैंने थोड़ा ज्यादा चिपका है, आप चाहें तो कम भी चिपका सकते हैं। अब जो अगली चीज करनी है तो ये जो मैंने ये जूट रोप लिया है इसको इसके नेक पर लपेटना है आपको। तो उसके लिए हमें जो चीज चाहिए तो ये मैंने यहाँ पे फेविकोल लिया है। आप मैंने पहले भी बताया ग्लू गन से भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ फेविकोल से ही लपेट लूंगी क्योंकि ये फेविकोल से चिपक जाता है ये इजीली। तो आप ऐसे पूरे जो इसका ये नेक होता है इस पे पूरे में आप ऐसे फेविकोल लगा लीजिए। तो ये आप देखिए मैंने ये फेविकोल चारों तरफ से इसमें लगा लिया है इसकी ये जो नेक होती है और अब इसमें हम चारों तरफ से इसमें जो ये हमारा ये जूट रोप है इसको लपेटना शुरू करेंगे। इसमें तो आपको जो लपेटना काफी इजी होगा, बस इसको आप और ये जो
इसका ये जो आप एक ये जो हिस्सा है आगे का ये जो सिरा है इसको आप थोड़ा सा बाहर निकाल के रखिएगा और उसके बाद आप इसको लपेटना स्टार्ट करिएगा थोड़ा पोर्शन छोड़ते हुए उसका। उसके बाद आप इसको जो ये जूट रोप है इसको उसके बाद लपेटिएगा। तो आप ये देखिए ये हमारा ये जो मेरा DIY था ये बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप मैंने इसमें पूरे में आप देख रहे हैं मैंने जूट रोप लपेट लिया और यहाँ पर इस पे एक आप नॉट लगा लीजिए इस तरह की तो थोड़ा फैंसी हो जाएगा। और बस ये हमारा DIY ये तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है वो ये बनने के बाद कैसा है, वैसे तो ये बनने के बाद आप देख रहे हैं इस तरह का लग रहा है हमारा। और लेकिन इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग लाइट डाल सकते हैं और या आप इसमें कैंडल डाल के अगर आप जो टी लाइट आपकी कैंडल होती है वो डालकर अगर आप जलाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगता है रात में। और इसका मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से पूरा बनकर मतलब बन तो गया है लेकिन ये जलने के बाद कैसा लगता है। आप ये देख रहे हैं इस मेरे पास कैंडल इस समय थी नहीं, जो टी लाइट कैंडल होती है वो थी नहीं तो मैंने इस तरह से इसमें लाइट डाली है स्ट्रिंग लाइट। और तो आप इस तरह से आप देख रहे हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। देखिए कितना सारा इसका जो भी हमारा ये लीव्स थी सबका कलर उभर कर आ रहा है। और इसको आप एज ए नाइट बल्ब भी यूज कर सकते हैं रात में। तो आप ये देख रहे हैं कितना प्यारा और एकदम वेस्ट मटेरियल से है क्योंकि कुछ भी इसमें आपने देखा कुछ भी मैंने परचेज नहीं करा है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है। आप इस तरह से भी आप घर में बनाकर और आई होप आप घर में जरूर बनाएंगे ट्राई करेंगे और आपको भी इतना ही अच्छा लग रहा होगा जितना मुझे अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय टेक केयर।